विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार मी एल डी ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो विद्यार्थी मित्र हो। माहीतच आहे की सध्या आपण एम सी क्यूची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक सव्वीस ए सी डी सी ड्राईव्ह यावरील काही महत्वपूर्ण एम सी क्यूज पाहिले पुन्हा एकदा आज आपल्या समोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत द्वितीय वर्षातील सत्तावीसावे युनिट इन्व्हर्टर अँड यू पी एस यावरील काही महत्त्वपूर्ण एम सी क्यूज विद्यार्थी मित्र हो हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा व आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका चला तो मग पहुया आपले सत्ताविवे यूनिट इन्वर्टर एंड यूपीएस यावरील एम सी तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परमिशिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 फोर्टी वोल्ट एज पर आईएसआई यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 यानी 240 वोल्ट है तो न्यूनतम स्वीकार्य सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज क्या है ऑप्शन ए दो सौ अट्ठाईस ऑप्शन बी 233 सौ तैतीस ऑप्शन सी 216 सो सोलह और ऑप्शन डी है 211 सौ ग्यारह अब हमको क्वेश्चन ऐसा किया गया कि व्हाट इज द मिनिमम परमिशिबल सिंगल फेज वोल्टेज यानी जब भी अगर सिंगल फेज वोल्टेज अगर मेंशन किया हमारे पास कितना 240 तो मिनिमम परमिशिबल जो वोल्टेज हो कितना होना चाहिए जो वेरिएशन जो कंसिडर करते हैं एज पर आई अब हम यहां पर देखते हैं कि अगर लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज साइड है वहां पर हम वोल्टेज वेरिएशन एक्सेप्ट कर सकते ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस सिक्स परसेंट कितना सिक्स परसेंटेंट क्या करेंगे वेरिएशन वेरिएशन मतलब जो भी वोल्टेज में होने वाला कम और ज्यादा अमाउंट अगर वोल्टेज हमारे पास कितना रेटेड वोल्टेज हमारे पास कितना है दो वोल्ट कितना है दो वोल्ट तो इसमें क्या करेंगे हम ये वोल्टेज कौन था दो सौ वोल्टेज का है लो वोल्टेज साइड है कौन सी साइड है लो वोल्टेज साइड है या लो वोल्टेज साइड और मीडियम वोल्टेज साइड रहेंगे तो वहां पर हम एक्सेप्टेबल हम जितना एक्सेप्ट कर सकते वेरिएशन कितना होगा कितना एक्सेप्ट करेंगे हम सिक्स परसेंट अब सिक्स परसेंट मतलब कितना दो सौ चालीस अगर प्लस माइनस सिक्स परसेंट अगर करेंगे तो कितना है सिक्स डिवाइड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय दो सो चालीस तो ये लगभग 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 होगा अपने पास कितना 14.4 आसपास वोल्टेज के अंदर चौदह पॉइंट चौदह वोल्टेज अगर, अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ना चाहिए मैक्सिमम चौदह पॉइंट चौदह होल्ट हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है अगर कम होगा तो कितना कम होना चाहिए फोर्टीन पॉइंट फोर्टीन चौदह पॉइंट चौदह वोल्टेज कम हुआ तो ठीक है अगर दो सौ में से अगर हमने मिनिमम मिनिमम यानी कम से कम अगर 240 में से माइनस कितना कितना छब्बीस पॉइंट छ वोल्ट है? 6, के आसपास तो इसके अगर रेंज देखें दो सौ छब्बीस पॉइंट होल्ड मतलब आसपास वोल्टेज कौन सा हमारे पास दो सौ अट्ठावी होल्ड कितना दो सौ अट्ठाईस यानी अगर अगर सिंगल फेज वोल्टेज मेंशन किया दो सौ चालीस होल्ड

अब ये है जो क्वेश्चन किया गया कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर कौन सा कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर कौन से सिद्धांत कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो है, ये करता है फेरो सा? फेरो इस क्वेश्चन इस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेजोनेंट प्रिंसिपल अगला क्वेश्चन है वॉट इज द रीजन ऑफ ट्रिपिंग द यूपीएस विथ फुल लोड यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का क्या कारण है ऑप्शन ए मेन सप्लाई फेलियर ऑप्शन बी लूज कनेक्शन इन बैटरी टर्मिनल ऑप्शन डी बैटरी चार्जर इनपुट फ्यूज ब्लोन आउट ऑप्शन डी इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग अब जो यूपीएस है यूपीएस का मीनिंग क्या होता है फुल फॉर्म होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या करता है हमारे को जब भी अगर इमरजेंसी कंडीशन में क्या करें हमारे को पावर सप्लाई करेगा यानी कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई मेंटेन करे इन केस ऑफ तो फेलियर ऑफ मेन पावर अगर मेन पावर हमारे पास फेलियर होता क्या है तो क्या कर रहा है यूपीएस विद द हेल्प ऑफ बैटरी बैंक हम क्या करते सप्लाई हमारे पास में कंटिन्यू चलेगा तो इसको बोलते हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अगर पावर सप्लाई फुल लोड पे अगर हमने क्या लोड कर लोड कनेक्ट कर दिए प्री सेट लोड से ऊपर फॉर एग्जाम्पल हमने अगर प्री सेट लोड है हमारे पास की हंड्रेड वैट सिर्फ लोड है और इससे ऊपर अगर क्या हो जाता है हमारे पास में अगर लोड कनेक्ट कर कर दे रहे हम तो क्या होगा फुल लोड के ऊपर क्या होगा हमारे पास यूपीएस का ट्रिप हो जाएगा और बंद हो जाएगा यानी अगर हम अगर गलत सेटिंग करेंगे या इन प्रॉपर सेटिंग करेंगे यहां पर लोड की तो उस वजह से क्या होगा फुल लोड पे क्या होगा हमारे पास में यूपीएस ट्रिप होगा यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन करेक्ट सेटिंग यानी क्या होगा इन करेक्ट ओवरलोड सेटिंग इसलिए हमको प्रॉपर लोड सेटिंग करना पड़ेगा ताकि फुल लोड पे पर यूपीएस कंटिन्यू पावर सप्लाई कर सके अगर लोड सेटिंग अगर कम होगा और उससे ज्यादा अगर लोड कनेक्टेड लोड अगर हो जाएगा तो यूपीएस हमारा फुल लोड पर ऑफ होगा यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इन करेक्ट ओवरलोड सेटिंग अगला सवाल है हाउ द बैकअप टाइम ऑफ यूपीएस कैन बी इनक्रीज यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है ऑप्शन ए

बैकअप टाइम कैसा बढ़ेंगे अब जब बैकअप टाइम होता है बैकअप बैकअप टाइम टाइम कैसा होता है है हमारे हमारे पास पास हम हम जो भी एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या बैटरी की सपोज एम्पियर आवर कैपेसिटी एम्पियर आवर कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय बैटरी वोल्टेज क्या फिर वोल्टेज रेटिंग क्या बोलेंगे यहां पर वोल्टेज रेटिंग डिवाइड बाय टोटल कनेक्टेड लोड तो यहां पर total load. अब इस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे टोटल बैकअप टाइम क्या बैकअप टाइम इज इक्वल टू क्या हमारे पास एम्पियर आवर कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज रेटिंग मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज रेटिंग डिवाइड बाय टोटल लोड अब यहाँ पे जो बैकअप टाइम

इंक्रीज द एम्पियर कैपेसिटी अगर एम्पियर कपेसिटी बढ़ा दिए वैसे ही बैकअप टाइम हमारा हमारे बढ़ जाएगा यानी ऐसे हमने क्या करें बैकअप टाइम बढ़ाने का है तो हमको क्या करना पड़ेगा जो भी एम्पियर आवर कैपेसिटी बैटरी की उसको इंक्रीज करना पड़ेगा इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द एम्पियर ऑवर कैपेसिटी यानी सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी यूपीएस यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म पावर सप्लाई ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑप्शन सी अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑप्शन डी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई अब यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई अगला सवाल है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबिलाईज वोल्टेज स्टेबिलाईजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच किस उपकरण से और किस उपकरण के उपयोग से की जाती है ऑप्शन नंबर ए एम मीटर ऑप्शन नंबर बी होल्ट मीटर ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीटर ऑप्शन नंबर डी है ओह मीटर अब हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीमीटर किसका मल्टीमीटर का इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीटर अगला सवाल है इज द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी डीसी डीसी चोपर सी हैेक्टिफायर ऑप्शनो कन्वर्टर अब यहां पर क्वेश्चन ऐसा किया गया है कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है अब ये जो ऑप्शन नंबर ए है ए का क्या है रेक्टिफायर रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है और रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है और ये रेक्टिफायर किस तरह से कार्य करता है रेक्टिफायर क्या करता है जो भी हम ए सी इनपुट देने के बाद में वो क्या कन्वर्ट करेंगे डीसी चोपर का मतलब क्या होता है De को वेरिएबल में कन्वर्ट करना क्या करना है फिक्स डीसी को वेरिएबल डी सी में कन्वर्ट करना ऑप्शन नंबर बी का हमारे पास डीसी चोपर फिक्स डी सी टू डी सी कन्वर्टर यानी ये डीसी टू डी सी कन्वर्टर है ऑप्शन सी क्या है डी सी टू ए सी कन्वर्टर ये होगा इन्वर्टर ये क्या होगा इन्वर्टर ऑप्शन डी क्या है साइक्लो कन्वर्टर

उसमें क्या करते हम चेंज कर सकते उसके साथ चेंज कर सकते उसकी जो फ्रीक्वेंसी हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते तो इसलिए उसको हैं इसलिए इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पल्स मॉडुलेशन अगला सवाल है इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबिलाईर स्वयं स्टेप वोल्टेज स्टेबिलाईजर का अनुप्रयोग कौन सा है ऑप्शन नंबर ए गीजर ऑप्शन नंबर बी ग्राइंडर ऑप्शन नंबर सी एयर कंडीशनर ऑप्शन नंबर डी टीवी रिसीवर अब जो ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर रहता है उसका जो एप्लीकेशन है टीवी रिसीवर कौन सा है टीवी रिसीवर जिसको हमको अगर फिक्स अमाउंट वोल्टेज क्या मिलेगा कंटिन्यूस मिलेगा विद द हेल्प ऑफ स्टेप वोल्टेज लाइजर वोल्टेज थ्रू इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीवी रिसीवर अगला सवाल है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस ऑनलाइन यूपीएस का ऑफलाइन यूपीएस के ऊपर कौन सा फायदा है ऑप्शन नंबर ए सप्लाई दावर आउटपुट ऑप्शन बी इट गिवस्टेंट आउटपुट फ्रिक्वेंसी वर्क ऑन सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई अब जो ऑनलाइन यूपीएस का है इसका एडवांटेज ओवर ऑफलाइन के यूपीएस के ऊपर क्या है जब ऑफलाइन यूपीएस वक्त क्या करना पड़ेगा स्विच करना पड़ेगा स्विच कर ट्रांसियंट और स्विचिंग प्रॉब्लम क्या हुआ ट्रांसजेंट और स्विचिंग प्रॉब्लम अब ऑनलाइन जो यूपीएस होता है इसमें हम क्या करते हैं जो चेंज चेंज ओवर ओवर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या इस वजह से जो ये क्या होता है ये फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिएंट प्रॉब्लम और ट्रांजिशन प्रॉब्लम इसमें स्विचिंग प्रॉब्लम क्या होता है इजिली अवॉइड कर करता है इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिएंट प्रॉब्लम अगला सवाल है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन दिस सिंपल इन्वर्टर

ऑप्शन नंबर डी में क्या है एम्पलीफायर है मतलब पहला तो डी ऑप्शन कट है, फिर गया पे अब बचा क्या दूसरा जो स्टेज रहता दूसरा स्टेज में रहता है एम्पलीफायर दूसरे स्टेज में क्या होता है एम्प्लीफायर अब यहाँ पर और तीसरा जो स्टेज रहता है तीसरा स्टेज रहता उसके बाद में ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज इस वजह से अब यहां पर पहला ऑक्सीटर है एम्पलीफायर है और ट्रांसफार्मर ये स्टेज में क्या था सिंपल हमारा इन्वर्टर रहता है तो यहाँ पर ऑक्सीटर है उसके बाद में

बैटरी इज नॉट सफिशियंट ऑप्शन सी है बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड क्वेश्चन किया गया है कि वॉट इज द रीजन फॉर हैविंग लो बैकअप टाइम अगर यूपीएस का बैकअप टाइम अगर कम हो रहा है तो उसकी वजह क्या है अब बैकअप टाइम हम कैलकुलेट कैसा कर सकते है? हमने इसके पहले फार्मूला बताया क्या है फार्मूला हमारे पास में कि सबसे पहले उसके बैटरी की एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या होगा

अगर बैटरी की एम्पेयर और कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो सीधा सीधा क्या हुआ जिसका बैकअप टाइम भी क्या हुआ ज्यादा हुआ अगर बैटरी की एम्पेयर और कैपेसिटी कम होती तो ये भी बैकअप टाइम भी क्या हुआ हमारे पास में कम हुआ

स्वयं चलित वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया था ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिफायर सर्किट ऑप्शन नंबर बी है फीडबैक सर्किट ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीलेटर सर्किट ऑप्शन नंबर डी है एम्पलीफायर सर्किट अब जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर है तो इसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट जो फीड एलिमेंट है वो फीडबैक सर्किट कौन सा फीडबैक सर्किट तो फीडबैक सर्किट थ्रू ही क्या होता है जब भी अगर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करना है तो उसमें मेन फंक्शन होगा फीडबैक सर्किट इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फीडबैक सर्किट। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पज ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इन इन्वर्टर इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है ऑप्शन नंबर ए स्टेप अप इनपुट ए ऑप्शन नंबर बी स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर ऑप्शन नंबर सी स्टेप डाउन इनपुट एसी ऑप्शन नंबर डी स्टेप डाउन द ए सी फ्रॉम एम्पलीफायर अब जो इन्वर्टर होता है इन्वर्टर में सबसे पहले स्टेज में हमने देखा सिंपल इन्वर्टर में क्या होता है सबसे पहले हमारे पास में ऑक्सीलेटर रहता है उसके बाद में एम्पलीफायर आता है उसके बाद में एम्पलीफायर के बाद में क्या होता है आउटपुट स्टेज ट्रांसफार्मर अब जो सबसे पहले क्या है एम्पलीफायर सॉरी सबसे पहले हमारे पास क्या ऑक्सीलेटर अब ऑक्सीलेटर क्या करना तुम्हारा उसके बाद में आएगा ऑक्सीलेटर के बाद में एम्पलीफायर आएगा जो एम्पलीफायर का आउटपुट है वो किसको कनेक्ट किया गया है ट्रांसफार्मर को तो ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होगा जो एम्पलीफायर का इनपुट है एसी इनपुट उसको क्या करना है स्टेप अप करना क्या करना उसको स्टेप अप करना अब क्या किसको किस किसको स्टेप करना एम्पलीफायर के इनपुट को तो ऑप्शन नंबर ए क्या स्टेप अप द ए सी इनपुट नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है स्टेप अप द ए सी फ्राम एम्प्लीफायर मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर

ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईर में कौन सा फीडबैक नेटवर्क करते हैं में हम voltage divider network, कौन सा voltage divider network का इस्तेमाल इस, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क अगला सवाल है विच पार्ट इन यूपीएस सप्लाई कंटिन्यूस आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ इनपुट वोल्टेज फेल यूपीएस में से कौन सा भाग इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर कंटिन्यू आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है यानी कंटिन्यूस वोल्टेज प्रोवाइड करेगा ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर यूनिट ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टर यूनिट ऑप्शन नंबर सी बैटरी यूनिट ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलर यूनिट अब जो यूपीएस यूपीएस का मतलब क्या है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई जब हमारे पास सप्लाई कंटिन्यूस जब मेन सप्लाई अवेलेबल रहेगा तब क्या करेगा मेन सप्लाई से डायरेक्टली हमारे पास में लोड कनेक्ट होगा यानी हमारे पास जो भी घर में का या फिर यहाँ पे भी हम लोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोड कहाँ पे कनेक्ट रहेगा डायरेक्टली सप्लाई पर कनेक्ट करेगा मतलब मेन सप्लाई से हमारे पास में एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी जब अगर मेन सप्लाई अगर फेल होता है अगर फेल होता है तो सेम टाइम में क्या होगा हमारे पास में जो बैटरी यूनिट लग लगा है पे बैटरी यूनिट तो बैटरी यूनिट क्या करेगा हमारे को क्या करेगा जब मेन सप्लाई फेलियर होने के बाद में बैटरी यूनिट क्या करेगा सप्लाई प्रोवाइड करेगा जब मेन सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है तब बैटरी क्या होगा हमारे पास में मेन सप्लाई थ्रू चार्ज होगा जब अगर मेन सप्लाई फेल होता है तो जो चार्ज बैटरी है वो चार्ज बैटरी यूनिट हमको क्या करेगा लोड को सप्लाई करेगा यानी जब भी अगर मेन सप्लाई फेल होता है तो बैटरी यूनिट हम क्या करता है सप्लाई प्रोवाइड करता है यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैटरी यूनिट अगला सवाल है वे द स्क्र वेव इन्वर्टर आर यूज स्क्व इन्वर्टर का उपयोग कहाँ क्या होता है ऑप्शन नंबर ए जनरल लाइटिंग ऑप्शन नंबर बी टीवी रिसीवर ऑप्शन नंबर सी डीवीडी प्लेयर ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर जब भी हम क्या करें डोमेस्टिक अपलाइंसिस का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पावर क्वालिटी पावर क्वालिटी में क्या हो रहा है एक तो रेटेड सप्लाई वोल्टेज हो रेटेड फ्रीक्वेंसी और प्योर साइन वेव होना लेकिन अभी क्या होता है सपोज टीवी रिसीवर है डीवीडी प्लेयर है और कंप्यूटर है इनको अगर हम स्क्वेयर वेव कर देंगे इंस्टेट ऑफ साइन वेव की अगर जगह पर हमने कह दिया है स्क्वेयर वेव तो इनका परफॉर्मेंस क्या हुआ सही नहीं हुआ तो नॉर्मली हम क्या करें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जनरल लाइटिंग तो जनरल लाइटिंग में हम स्क्र वेव का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे ज्यादा कुछ इसके ज्यादा इश्यू नहीं होगा पावर क्वालिटी रिलेटेड तो इस वजह से क्या होगा जब भी हम स्कूयरवे स्क्र वेव अगर इंटर वेव इन्वर्टर यूज करेंगे तो उसको देंगे हम जनरल लाइटिंग के लिए किसके लिए जनरल लाइटिंग के लिए इस, इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनरल लाइटिंग अगला सवाल है विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्सुटिंग द वोल्टेज इन स्टेप वोल्टेज स्टेबिलाईजर स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबिलाईर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय करता है ऑप्शन नंबर ए आउटपुट ट्रांसफॉर्मर ऑप्शन नंबर बी अटोस्टैट ऑप्शन नंबर सी ओवर वोल्टेज रिले ऑप्शन नंबर डी अंडर वोल्टेज रिले स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबिलाईजर में विद्युत उपकरण को वोल्टेज से सक्रिय करने के लिए हम अटोस्टैट का इस्तेमाल करते हैं किसका अटोस्टैट का इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटोस्टैट अगला सवाल है विच इज द कॉज फॉर द फॉल्ट आउटपुट वोल्टेज ऑफ यूपीएस इज हायर नॉर्मल यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य वोल्टेज से अधिक होता है तो उस गलती का कारण क्या है ऑप्शन नंबर सी इनपुट वोल्टेज इज वेरी हाई ऑप्शन नंबर डी है रिले पॉइंट आर ज्वाइंट टुगेदर अब जब भी अगर देखो हम क्या करें कॉन्स्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए इन केस ऑफ यूपीएस यूपीएस में कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम रहता है फीडबैक सिस्टम का किसका फीडबैक सिस्टम का अगर केस फीडबैक सिस्टम अगर फेल हो रहा है कॉन्स्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए तभी वोल्टेज क्या आउटपुट ट्रांसफार्मर आउटपुट जो रहे आउटपुट वोल्टेज किसका इन्वर्टर का वो कम या ज्यादा हो सकता अब पे क्वेश्चन किया गया व्हाट इज द कॉज ऑफ दौर फिर कौन सा फॉल्ट है अगर आउट यूपीएस का वोल्टेज क्या है रेटेड वोल्टेज से ज्यादा अगर वोल्टेज आ रहा है तो उस टाइम में क्या हुआ है यहाँ पर डिफेक्टिव आउट फीडबैक सर्किट क्या हुआ जो हमारा फीडबैक सर्किट है वो क्या हुआ फीडबैक जो हमारा फीडबैक जो हमारा फीडबैक सिस्टम है वो क्या हुआ है डिफेक्टिव है क्योंकि डिफेट फीडबैक सिस्टम का ही काम है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट अगला सवाल है ट्रांसफार्मर इज हैल्टेज इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर सी स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर अब जो सर्वो वोल्टेज सर्वटेजर है इसमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं टोरोडाइल का मतलब क्या था, एक क्या था? और इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टोरोडाइल ऑटो ट्रांसफार्मर अगला सवाल है व्हाट इज द इफेक्ट इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज ऑप्शन नंबर सी बिकम जीरो ऑप्शन नंबर डी रिमेन सेम अब जैसा जैसा हमारे पास जो सेल है सेल डिस्चार्ज होगा वैसा वैसा उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा क्या होगा इंक्रीज होगा इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज अगला सवाल है विच इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इन्वर्टर का, का कार्य क्या है ऑप्शन नंबर ए कन्वर्ट डीसी वोल्टेज टू एसी वोल्टेज ऑप्शन नंबर बी ट एसी वोल्टेज इंटू डी सी वोल्टेज ऑप्शन नंबर सी कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इंटू हाइयर डीसी वोल्टेज ऑप्शन नंबर डी कन्वर्ट एसी वोल्टेज इंटू हाइयर एसी वोल्टेज अब जो इन्वर्टर है इन्वर्टर का मेन फंक्शन है कन्वर्ट डीसी इंटू एसी क्या करेगा डीसी से ए सी करेगा अब यहां पे ऑप्शन नंबर ए क्या है कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इंटू एसी इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्वर्ट डीसी होल्टेज इंटू एसी होल्टेज अगला सवाल है विच टर्म रेफर दैट द मास वन कुलिस शब्द का अभिप्राय है कि विद्युत के एक कूलम द्वारा विद्युत अवघन से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोकॉपिंग ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब भी विद्युत के एक कुलम चार्ज द्वारा अपघटन से मुक्त हुए पदार्थ तक, पदार्थ का जो द्रव्यमान रहता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट अशा प्रकार आज अपन यूनिट क्रमांक सत्तावीस इन्वर्टर व यूपीएस यावरील एम पाहिले पुढील वीडियो में आपण युनिट क्रमांक अठ्ठावीस पॉवर जनरेशन अँड सबस्टेशन या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण एम सी क्यूज पाहणार आहोत तेव्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा व आमच्या आय वी व्ही पी ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल धन्यवाद